ओटो कंपनी का स्टॉक का बेस का टारगेट क्या हो सकता है? तो इसका अगर अपर टारगेट के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो 3780 रुपीज़ इसका अपर टारगेट रहेगा और मैक्सिमम चांसेस 800 रुपीज़ को ये हिट करेगा दोस्तों, ठीक है। और इसका जो लोअर टारगेट रहेगा 3740 रुपीज़ इसका लोअर टारगेट रहेगा दोस्तों, पर मैक्सिमम चांसेस है स्टॉक ऊपर की ओर ही ट्रेड करने में दिखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका पास्ट परफॉर्मेंस से ही ऐसा ही उम्मीद मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। पर उसके बाद भी दोस्तों पैसा आपका है तो खुद एनालिसिस करके पैसा लगाओ और कभी भी किसी से उधार लेकर पैसा स्टॉक मार्केट पर मत लगाओ, इससे आपका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और हम नहीं चाहते आपको कोई प्रॉब्लम हो स्टॉक मार्केट पर। और ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और हम किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए किसी को भी एडवाइस नहीं देते हैं। और कमेंट के थ्रू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू दिल से, और हम मिलेंगे किसी दूसरे स्टॉक के टारगेट के साथ फिर से।